नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव आज इस वीडियो पे वार्ता करने वाले हैं। विशेष नक्षत्र विशाखा नक्षत्र, इसको बोलते हैं राधा नक्षत्र। तुला राशि में 20 डिग्री से लेके वृश्चिक राशि में 3:20 तक चलने वाला जो नक्षत्र है उसको बोलते हैं विशाखा। इसको राधा नक्षत्र बोलते हैं, ठीक है, राधा नक्षत्र बोलते हैं। और अनुराधा इसी का पीछा करता है, अनुगमन करता है, इसलिए उसको अनुराधा कहते हैं। शक्तिशाली नक्षत्र है, देवता इसके इंद्र हैं, चार ताराओं का है, मिश्रित है, ठीक है ना, शक्ति है इसके अंदर। जो चीज़ चाहता है उसको प्राप्त कर लेने की दृढ़ इच्छा शक्ति है। व्यापना शक्ति है महाराज, फलों की प्राप्ति करना, जो आप चाहते हैं वो फल आपको मिलेगा जैसा आपका इच्छा हो। दक्षिण दिशा में विशेष फोकस करता है। वास्तव में यह नक्षत्र समर्पण का नक्षत्र है, तो 2024 कैसा जाएगा, समर्पण में क्या क्या आपको अर्पण करना पड़ेगा, श्रद्धा फलवती होगी। यह नक्षत्र अगर कंसंट्रेट कर सका तो लक्ष्य दूर नहीं है, ठीक है, लक्ष्य प्राप्ति का नक्षत्र है। शक्ति क्या है, व्यापना, मतलब फलों की प्राप्ति करना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनं, नहीं, कर्म फल मिलेगा ही मिलेगा, संदेह नहीं है, ठीक है। बरगद की शाखा है, बरगद का वृक्ष जैसा है, जहां एक बार लग गया फिर अपनी जड़ें अमिट कर देता है, छोड़ता नहीं। तो 2024 में आपकी जड़ें कितनी गहरी रहेंगी, जड़ें कितनी गहरी रहेंगी, इसी की चर्चा हम करेंगे कि कौन कौन सी जगह आपको रखनी होगी सावधानी, कहाँ कहाँ रखना होगा ध्यान, कहाँ पे आपको इजीली कनेक्टिविटी मिलेगी और क्या ना करें जिससे हो आपको लाभ। तो चर्चा आरंभ करें उससे पहले बिना मनोरोधन, भाई 2023 में आपने सपोर्ट नहीं किया, 2024 में सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, पहला काम। तो गुरु महाराज नक्षत्र के विशाखा नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है, तो नक्षत्र अधिपति कह लीजिए। लेकिन इसके 3 चरण चूंकि तुला राशि में चलते हैं, तो 2 शुक्र 2 गुरु का अधिपत रहेगा और 1 मंगल के राशि में चलता है जिसका नाम है वृश्चिक राशि। तो तुला और वृश्चिक दोनों का प्रभाव इस नक्षत्र पे रहेगा, ठीक है। तुला और वृश्चिक मतलब मंगल शुक्र गुरु, तीन तीन ग्रहों का प्रभाव इस नक्षत्र पे रहेगा, सिंपल सा था। तो हम गुरु को फोकस करके कहते हैं क्योंकि गुरु इसके अधिपति हैं। शेष या 2 चरणों में अपने आप को इसलिए बांटता है कि गुरु बड़ा है, जो बड़े प्लैनेट्स हैं ना जिनको हम बड़ा कहते हैं, वो सदैव अपने नक्षत्रों को 2 राशियों में बांट देते हैं, 2 लोगों को सपोर्ट कर देते हैं। तो गुरु महाराज आपको स्टार्टिंग से ही स्पीड पकड़ा रहे हैं, 1 जनवरी से ही आपके 80 पे सवार हैं। कहाँ पर सवार हैं, 80 पे, घोड़े पे सवार हैं, घोड़े पे सवार होकर चल रहे हैं। तो यहाँ से लेकर 3 फरवरी तक डेफिनेटली आप स्पीड पकड़ेंगे। 3 फरवरी से ये शुक्र पे प्रभाव करेंगे, नवांश आपको मिलेगा सिंह नवांश, तो तुला राशि वालों के लाभकारी नवांश और वृश्चिक राशि वालों के लिए कर्मकारक नवांश, तो दोनों के लिए बेहतर होगा। सिंह नवांश मतलब सफलता का नवांश, सिंह नवांश का मतलब पिता से संबंध अच्छे रखिए, लोग आपको आगे बढ़ाएंगे। क्या पॉइंट आ रहा है, पिता से संबंध बेहतर रखिए, लोग आपको आगे बढ़ाएंगे। बड़े भाइयों से संबंध अच्छे रखिए, लाभ की स्थिति तो बनेगी बनेगी, लेकिन अगर इनसे आप संबंध अच्छे नहीं रख सके तो लाभ की स्थिति फिर नहीं बनेगी, ये भी ध्यान में रखिएगा। 27 फरवरी को आप देखेंगे तो ये कन्या नवांश में गोचर करेंगे। अब आप तुला में है, 3 चरणों में है, तो कन्या नवांश विदेश का है, विदेश से लाभ होगा। वृश्चिक में है तो कन्या नवांश कामनाओं की पूर्ति का है, कामनाओं की पूर्ति होगी, कोई संदेह नहीं होगी। अपने थोड़ा सा बर्थ चार्ट को चेक कर लीजिएगा। 16 मार्च को थर्ड मतलब तुला में जाएंगे, तो यहाँ पे आप वृश्चिक में हैं तब तो आपको थोड़ा सा नुकसान है, ठीक है, थोड़े पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन आप तुला में हैं डेफिनेटली आप हेल्दी रहेंगे, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 अप्रैल को चतुर्थ में जाएंगे जो वृश्चिक नवांश है, तो तुला और वृश्चिक दोनों के लिए अच्छा। तुला में है तो धन के दृष्टिकोण से बेहतर है, यहाँ पे धन प्राप्त होता हुआ, धन आता हुआ दिखाई दे रहा है, आप हेल्दी रहोगे। वृश्चिक में है तो लगन में ही है, मान सम्मान की प्राप्ति हो रही, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। 17
अप्रैल को फिर ये श्रेष्ठ नक्षत्र, श्रेष्ठ नक्षत्र ठीक है ना, जा रहे हैं सूर्य नारायण की कृतिका, कृतिका मतलब काट के अलग कर देना, टक से अलग कर देता है, तलवार की धार है, अग्निशिखा है, आग नहीं है अग्निशिखा, मतलब ऊपर वाली लौ जो सबसे तेज है, तो यहाँ पे जो अवरोध है उनको काट के अलग कर देंगे। यहाँ पे कुछ रिश्ते भी टूटेंगे, देखिए हम कहते हैं ना काट के अलग कर देंगे, तो ऐसा नहीं है, बहुत सी चीज़ें कटती हैं ठीक। और अगर आपका बर्थ चार्ट में इस समय लगने 6, 8, 12 में घूम रहा है तो आप भी कटेंगे, आपको चोट लगेगी, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हर तरह से लाभकारी हैं, क्योंकि सूर्यदेव सूर्य का प्रभाव लेके चलेंगे, तो तुला वालों के लिए धन का प्रभाव है लेकिन एक्सीडेंटल है, पैसा तो आएगा लेकिन चोट भी लगेगी। वृश्चिक वालों के लिए नौकरी के क्षेत्र में ग्रोथ होगा, किसी तरह की कोई परेशानी नौकरी में आपको डेफिनेटली आराम मिलेगा। 1 मई को यहाँ पे फिर चले जाएंगे कर्म नवांश में, मकर नवांश में, तो मकर नवांश आप देखें तो वृश्चिक के लिए पराक्रम का है, वहीं तुला के लिए सुख का है, तो कर्म और कर्म से सुख की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है, तो आप यहाँ पे कर्मशील होंगे। उसके बाद क्योंकि आपको सुखी होना है इसलिए यहाँ पे आपको कर्म करना ही पड़ेगा। 15 मई से लेके 29 मई बहुत अच्छा है भूमि भवन वाहन के लिए, श्रेष्ठ समय है। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी में इश्यूज हैं तो यह 15 दिन ऐसे हैं जहाँ पे आपको कम प्रयास में सफलता मिल जाएगी। 29 मई को मीन नवांश में जाएंगे, तो भाई वृश्चिक वालों के लिए प्रेम का नवांश है, वहीं पे तुला वालों के लिए संघर्ष का नवांश है, मतलब 3 चरणों में संघर्ष है, 4th चरण में प्रेम की प्राप्ति है। 13 जून को फिर ये ऐसे नक्षत्र में जा रहे हैं जो ऊपर उठना सिखाता है, आरोहण करना सिखाता है, रोहिणी नक्षत्र में। यहाँ पे 13 जून के बाद चाहे आप तुला राशि में है चाहे वृश्चिक राशि में है, मतलब 3 चरण आपके तुला में 1 चरण वृश्चिक में है, दोनों लोग आरोहण करोगे। भाई आंधी जब चलती है ना या मौसम सुहाना होता है तो चाहे आप अमीर हो चाहे गरीब, मौसम तो बढ़िया होता है। अब इस समय चाहे आप शिमला जाओ चाहे दिल्ली में रहो चाहे कहीं रहो, शिमला वाला मौसम आपको दिल्ली में मिलेगा ठीक, बढ़िया ठंडा ठंडा चारों तरफ बर्फ वाला माहौल, तो इसी तरह यहाँ पे बेहतर मिलेगा। तो यहाँ पे ऊंचाई आप प्राप्त करेंगे, माँ का स्नेह प्राप्त करिएगा, माँ का आशीर्वाद लेके रखिएगा, तभी ये चीज़ें मिलेंगी, वरना ये चीज़ें होती हुई दिखेंगी, होंगी नहीं चली जाएंगी, ध्यान रखिएगा। तो 13 जून से लेके और पूरा आप देखें तो 31 जुलाई तक और 20 अगस्त तक आरोहण करते चले जाएंगे ठीक। 20 अगस्त के बाद फिर ये मृगशिरा में प्रवेश करेंगे, चंचलता मृगशिरा, थोड़ा सा चंचलता है, लेकिन मृगशिरा क्या है, कस्तूरी का नक्षत्र है और इसी नक्षत्र में राम मंदिर की स्थापना हो रही है ठीक है, ये कस्तूरी देता है, मंगल का नक्षत्र है, शक्तिशाली नक्षत्र है, सौम्य है और जीवन में एनर्जी को लेकर चलता है। तो यहाँ पे मृगशिरा में थोड़ा सा मन चंचल होता है, मन तो थोड़ा चंचल रहेगा लेकिन एनर्जी अच्छी रहती है, तो यहाँ से आप अच्छा करेंगे। तुला वालों के लिए यह समय थोड़ा सा एक्सीडेंटल है, मतलब 3 चरणों में आप पैदा हुए हैं तो वाहन आपको संभाल के चलाना चाहिए, खासकर 26 अक्टूबर तक, कब तक, 26 अक्टूबर तक वाहन संभाल के चलाना चाहिए। 20 अगस्त से प्रथम द्वितीय तृतीय चरण में आपने जन्म लिया है तब यह चीज़ें आपके लिए, चतुर्थ चरण में है तब आपको राधे राधे, फिर कोई परेशानी नहीं है। 28 नवंबर को अच्छा फिर यहीं पे वक्री हो जाएंगे, तो वहाँ से वक्री होकर फिर लौटेंगे तो फिर रोहिणी नक्षत्र में आएंगे ठीक है ना, रोहिणी में आके वर्ष का समापन करेंगे, मतलब चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी, तो पूरा वर्ष आपके लिए सुंदर फल देने वाला है। आप गुरु की कृपा प्राप्त करके रखें, गुरु के मंत्र का जाप करते रहें, येलो कलर का चंदन मस्तक पे कंठ में नाभि में लगा के रखें, प्रणाम प्रणाम को बदल देगा। देखिए एक वर्ड है ना मन, मन ना माँ के पहले लगा दीजिए हो जाएगा नमन, नमन करते चलिए, और मन जो ना है उसको ना के बगल में लगा दीजिए हो जाएगा मनन, नमन और मनन, मन के ही पीछे चलते हैं ना आगे और पीछे, तो नमन करते चलिए और मनन करते चलिए,
मनन करने से चंद्रमा मजबूत होगा, नमन करने से गुरु मजबूत होगा। ठीक है, तो चंद्रमा गुरु दोनों मजबूत होंगे और जहाँ भी रहते हैं यत्र तत्र सर्वत्र भगवान राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। कुछ लोग जो है बेवजह वितंडावाद पैदा कर रहे हैं, हम तो शंकराचार्य हैं, हम तो नहीं जाएंगे। जी बुलाया किसने? राम चरितमानस के प्रति आप फाड़ी जा रही, तो आप कहाँ थे? ठीक, आपका क्या समाज में योगदान क्या है? इन लोगों की बातों को मत सुनिएगा श्रद्धा से। कोई भी हैं, किसी पार्टी से हैं, राम के हैं, और जो राम के नहीं हो किसी काम के नहीं है। ठीक है ना, बहुत शुभ दिन है आपके लिए, इसलिए इस शुभ दिन को संजो के रखिए, बाद में अपने बच्चों को बताइएगा हमने वो समय देखा है। चलिए, जय श्री राम।